سلام الله من الله على النبي أتات الله سلام الله من الملائكة على رسول الله. मलेशिया से जो डेलीगेशन आए कितने लोग हैं और इनका क्या उद्देश्य है भारत में? अल्हम्दुलिल्लाह आज बारगाह गरीब नवाज में अजमेर शरीफ में शेख इस्माइल कासिम की लीडरशिप के अंदर 25 लोगों का डेलीगेशन मलेशिया से कुआलालंपुर से अजमेर शरीफ आया है. इनकी ज़ियारत की है और यहाँ पे हमने इनको एक ग्लोबल पीस अवार्ड भी नवाजा है क्योंकि 50 साल से शेख इस्माइल कासिम अमन का काम कर रहे हैं. और 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में सिविक सेंटर में एक इंटरनेशनल ग्लोबल पीस फोरम रखा है 22 तारीख का, और 23 तारीख को इंटरनेशनल इंटरफेथ डायलॉग सर्वधर्म संवाद जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से तमाम लोगों को बुलाया गया है जो आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं. उसके साथ इंटरनेशनली भी अमेरिका से लेके इंडोनेशिया से लेके मलेशिया तक काफी लोग वहां पे इकट्ठा होंगे इस पीस फोरम में और इंटरफेथ डायलॉग में. तो आज बारगाह गरीब नवाज में इनकी ज़ियारत है, इनको यहाँ पे ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया है. और तमाम डेलीगेशन के साथ हमने दुआ करी कि हिंदुस्तान और मलेशिया, भारत देश और मलेशिया के तमाम जितने भी अमन और आध्यात्मिक जो रिलेशन है उसके अंदर इजाफा हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन में इजाफा हो. और G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत देश को मिली है उसी को सामने रखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं अजमेर शरीफ से ये पैगाम ग्लोबली जाए. 2023 में जो G20 की प्रेसिडेंसी है इसमें भारत सरकार 200 से ज्यादा प्रोग्राम इवेंट्स प्लान कर रही है. तो हमारी कोशिश यही है कि अजमेर शरीफ की तरफ से भी ये ग्लोबल मैसेज जाता रहे. आपका नाम और हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलेमा मुशायरा बोर्ड.